Hey everyone, welcome back to my channel. Since Valentine is just around the corner, so I thought why not I create something lovey-dovey in this video. मुझे बहुत time से multiple artwork in one frame paint करने का मन था. And I thought Valentine is a perfect occasion. So today we are going to paint multiple artwork in one canvas. मैं तो super excited हूँ इस artwork को आपके साथ share करने के लिए. तो आज का वीडियो एक प्रोसेस वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें कंसिडर करती हूँ एक आर्टवर्क बनाने से पहले. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं पेंट क्या करने वाली हूँ. आई थॉट आई विल सेलिब्रेट वैलेंटाइंस वीक स्टार्टिंग फ्रॉम रोज डे टू वैलेंटाइन डे. सो आई एम गोइंग टू पेंट 8 आर्टवर्क्स जिसमें एक कपल होगा और वो कपल उस डे को सेलिब्रेट कर रहा होगा. नेक्स्ट मुझे ये डिसाइड करना था कि वैलेंटाइन वीक के लिए जो आर्टवर्क बना रही हूँ वो सारे आर्टवर्क्स मैं एक ही कैनवस पे पेंट करूँ या उसको डिवाइड कर दूँ. सो आई रफली ड्रॉ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड फेल्ट कि 8 सेक्शंस इन वन कैनवस बहुत हॉचपॉच लगेगा. एंड दैट इज़ व्हाई आई डिवाइडेड द वैलेंटाइन वीक इनटू 2 पार्ट्स. सो आई विल बी पेंटिंग 2 कैनवसेस, 4 पेंटिंग्स इन वन कैनवस एंड अनादर 4 इन अनादर कैनवस. ओके, तो थीम डिसाइड कर लिया एंड कितने कैनवसेस चाहिए वो भी डिसाइड कर लिया, बट साइज़ क्या होना चाहिए कैनवस का अब ये डिसाइड करना था. तो उसके लिए आई नीड टू एंश्योर कि कैनवस की विड्थ इतनी हो कि हर एक आर्टवर्क में एक कपल अकोमोडेट हो जाए. सो आई ट्राइड डिफरेंट कैनवस ऑप्शंस एंड फाइनलाइज्ड 8x16 inch का कैनवस जहाँ मुझे एक आर्टवर्क को पेंट करने के लिए 8 inch का हाइट एंड 4 inch का विड्थ मिलेगा. सो टू कंक्लूड मेरे कैनवस का लेंथ वर्सेस विड्थ इज 8:16, दैट इज़ 1:2 का रेशियो. तो आप इसी रेशियो में कोई भी कैनवस साइज सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ वी हैव द कैनवस एंड आई एम रेडी टू पेंट, बट बिफोर जंपिंग इनटू द आर्टवर्क आई लाइक टू प्लान द आर्टवर्क. प्लानिंग से मेरा मतलब ये है कि मैं एक ड्राफ्ट रेडी कर लेती हूँ इन प्रोक्रिएट जिससे मुझे विजुअलाइजेशन में हेल्प होती है कि ये आर्टवर्क फाइनली कैसा दिख के आएगा. गाइस, अगर आपके पास प्रोक्रिएट नहीं है तो आप नोटबुक में भी रफ ड्राफ्ट बना सकते हो. मैं ये हमेशा करती थी पहले. दिस स्टेप्स हेल्प्स मी टू प्रिवेंट मेकिंग मिस्टेक्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. अब मैं एक एक चीज़ बताऊंगी कि मैंने प्लानिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें कंसिडर करी. सबसे पहले मैंने ये सोचा कि बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए. सो आई डिसाइडेड टू गो विथ लैंडस्केप बैकग्राउंड्स. नेक्स्ट, बैकग्राउंड में कौन से कलर्स मैं यूज़ करूँगी. So I decided to go with these color from the color palette. I feel color harmony should be maintained while deciding the background. Say for example, अगर मैंने किसी एक artwork में night sky paint किया होता तो that won't complement the other artwork. Next मुझे ये decide करना था कि background के ऊपर क्या elements add करने हैं, like clouds, birds, trees, etc. धीरे धीरे मैंने ये एलिमेंट्स सोचे और मैं ऐड करती गई. जैसे कि फर्स्ट आर्टवर्क में मैंने चेरी ब्लॉसम ट्री ऐड किया है जो कि मैंने क्यूटिप के हेल्प से पेंट किया है. सेकेंड आर्टवर्क में मैंने कलरफुल क्लाउड्स पेंट किए हैं एंड फ्लावर वैली बनाया है. थर्ड आर्टवर्क में मैंने लश ग्रीन ट्री ऐड किया है एंड ग्रासेस ऐड किए हैं. फोर्थ आर्टवर्क में मैंने स्नोफॉल बनाया है. लास्टली अब मैं पेंटिंग के मेन कैरेक्टर्स बनाने जा रही हूँ. सो बेस्ड ऑन द थीम मैंने अपने कपल्स ड्राफ्ट किए हैं टू मैच द डेज ऑफ द वैलेंटाइन वीक. यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना कि कपल का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करें. कपल के साइज का आइडिया लेने के लिए मैं ट्रेसिंग पेपर के कटआउट्स का यूज़ करती हूँ. इससे बहुत हेल्प मिलती है गाइज, क्योंकि अगर आपके कपल का प्रपोर्शन गलत हो गया तो यू नीड टू पेंट द बैकग्राउंड अगेन. बाय द वे, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे कपल के फेसेस ब्लैंक क्यों हैं. वो इसलिए है क्योंकि आई वांटेड द व्यूअर टू इमेजिन देमसेल्व्स इन द आर्टवर्क. सो गाइज, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए मैंने चारों आर्टवर्क्स बनाए हैं. गाइज, एक और चीज़, मेक श्योर यू यूज मास्किंग टेप फॉर क्लीन बॉर्डर्स. सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज. कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये आर्टवर्क कैसा लगा एंड वेदर द टिप्स वेर हेल्पफुल और नॉट. गाइज, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर.
और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट विल मीन अ लॉट टू मी. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.